के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कमिश्नर की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम होने पर एडी बेसिक का वेतन रोकने के दिए निर्देश। खोराबार थाना क्षेत्र के चंदकापुर में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। एसपी सिटी ने बताया कि मात्र 800 रुपए के लेन देन को लेकर हुई थी कृपाल की हत्या। पुलिस लाइन परिसर में एसएसपी ने दी पदोन्नति प्राप्त उप निरीक्षक को विवेचना संबंधित विधिक एवं तकनीकी जानकारी। कहा, अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक करें निर्वहन। राज्य स्तरीय सीनियर पुरुषों व महिला कुश्ती चैंपियनशिप एवं उत्तर प्रदेश केसरी प्रतियोगिता का हुआ आगाज। दंगल में प्रतियोगी खिलाड़ियों ने दिखाया दम। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के तत्वावधान में क्लाइमेट सेल के गठन एवं क्रियान्वयन विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान संबंधित बैठक। स्वच्छता के लिए दिए गए आवश्यक टिप्स। एसपी सिटी के नेतृत्व में की गई दीवानी न्यायालय परिसर की चेकिंग। एसपी सिटी ने कहा, नहीं मिला कोई संदिग्ध व्यक्ति और सामान। प्राणी विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित एडवांसेस इन बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च फॉर ह्यूमन वेलफेयर विषयक त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी का हुआ आगाज। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। क्रिकेट के प्रमोटर और सरदार नगर चीनी मिल के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं क्रिकेटर ब्रह्म ज्ञान सिंह मजीठिया के आकस्मिक निधन होने से गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन में शोक की लहर। दी गई श्रद्धांजलि। और त्रिकोणीय श्रृंखला में अक्की स्पोर्ट्स एकेडमी ने एसबी सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी को 2 विकेट से किया पराजित।